रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शंसलिन। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का वाला करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। जैन भाई और एहसन गए हैं जी शॉपिंग करने। चाचू के बच्चे गए हुए थे अपने नानी के घर, तो आज फाइनली आ गए हैं। तो एहसन और जैन अभी गए हैं जी सिटी कुछ कार के लिए, शॉपिंग करनी है इसलिए। तो अभी नमाज़े ज़ोहर का भी टाइम होने वाला ही है, मेले का चौथा बाज़ार है, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं गया मेले पर। तो आतिफ भाई कॉलेज गए हैं और साकिब भाई स्कूल। साकिब भाई आज जैन भाई उनको छोड़ आए थे होने, क्योंकि साइकिल उनका ख़राब है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, ठीक ठाक है? तो कैमरा ऑन ही रख। आज मिल पाया बेली नाल? यूट्यूब पे चैनल बनाया थे या इधर अपन यहां थे इधर लेडियां थे इधर लेडियां थे ट्राली फंसी थी मियो तो सीधा की थी गला इधर तो मैं कोई नहीं निके दे काम देख ला। अल्लाह से आ गए हैं जी कॉलेज से। भाई आज क्या लेकर आए हैं शॉपिंग करके? सामान लिया है, तभी लिया खास तौर पे रोटियां पकाने के लिए। कोई लेकर आए हैं लेस बटर और साथ में तवी लेकर आए हैं जी रोटियां पकाने के लिए। काफ़ी बड़ी तवी है, 3 से 4 मंथ निकाल जाती है, फिर न्यू लेकर आना पड़ती है। अभी लेने आया हूँ जी अपने खेत से कुछ शलजम और मूली खाने के लिए। काफ़ी दिल कर रहा है, देखते हैं। साइड पे हैं शलजम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शलजम और एक साथ में मूली, माशाल्लाह। दोनों को धोएंगे खाएंगे फिर। पैन से अंदर बांधने का टाइम बेचारा डाल दिया था। चलें भाई चलें, रोज़ इसी टाइम मैं इनको छोड़ता हूँ और बांधता हूँ। चारा पैन से खा खा कर जब तक लून मसाला ना दें फिर इनको वायाबादी हो जाती है। ये जाग निकाल रही है मुंह से, इसको भी मसाला देंगे। चलें भाई, आप भी फाइनली बांध दी, खा रही हैं। ये वाली जो भैंस है इसकी नाथ से काफ़ी ज़्यादा डरती है, क्योंकि न्यू डाली है नाथ और काफ़ी इसको डर लगता है। बाकी चारा खा रही हैं। अभी एक जो है उस तरफ पानी पी रही है, बड़ी वाली भैंस माशाल्लाह। बाकी तो किसी ने पानी नहीं पिया। हाँ भाई जवानों आ गए हो, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो साथ में ही पैसे बांधने लग पड़े थे। अबू जी कह रहे थे कि पैसे छोड़ दें अंदर और बांध दें, फिर बाद में अभी टाइम मिला है तो अभी खा रहा हूँ शलजम और मूली। ओके जी फौजी साहब। भाई ठीक है, आपका क्या रख रहे हैं? किधर जाना है भाई आपने? मैं तुझे दिखाता हूँ, उसको मैं कॉल करता हूँ बंदे को, वो हमें उधर से जाती मारेगा। आना हो तो इसी जगह पे आना है, ये ताबले वाला की जगह मशहूर मरूफ जगह है। कुछ लिए हैं जी ब्रेड शॉप से। जैन भाई पहले सिटी आए थे लेकिन कुछ सामान जो है रह गया था, तो अभी दोबारा आए हैं जैन भाई और मैं। एहसन को घर छोड़ दिया, तो अभी लेंगे कुछ माल्टे। भाई अब लेकर आए हैं जमेशी रूफजा, शायद रूफजा की बोतल। कितने की मिली है? 280 रुपये। ऐसा है यार, खीरे कितने? 80। अभी आए हैं जी सब्ज़ मंडी में, तो यहाँ से कुछ ले लेंगे मिर्चें और टमाटर वगैरह। अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, बस वो आए काफ़ी ज़्यादा फिर रश होता है। कुछ मिर्चें और टमाटर लेंगे, आलू मिर्चें टमाटर आगे लटका देंगे। अभी लेंगे अदरक। इस मौसम में मूलियाँ शलजम और जो गाजरें, इनकी कीमतें कम होती हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में होते हैं, इसलिए ना हो फिर ज़्यादा होती हैं कीमतें। तो अभी मूलियाँ वो कत्था पूरा जो है 20-30 रुपए का मिल जाएगा। अदरक तो ले लिया। हाफज चिकन बिरयानी, तो अभी बाई करेंगे लॉक बाइक और अभी खाएंगे बिरयानी। तो कुछ टाइम के आए हुए हैं जी शॉप में, उनके पास बिरयानी ख़त्म हो गई थी तो न्यू लेकर अभी आए हैं। और सलाद और रायता आ गया, अभी बिरयानी भी लेकर आएंगे। फ्रेश सलाद जो खाना काफ़ी सेहत के लिए होता है जी अच्छा। घर जाना था, एक मूली खाई थी और एक शलजम, तो काफ़ी ज़्यादा अभी भूख लग गई हुई है। बिरयानी खाएंगे, काफ़ी बड़ी है शॉप तो इनकी बिरयानी जो है काफ़ी मशहूर है, हाफज चिकन बिरयानी। उस तरफ भाई अभी दे रहे हैं बिरयानी और सब लोग इधर खा रहे हैं। नहीं जी बिरयानी आ गई, लें जैन भाई। सिंगल सिंगल ही हमने तो मंगवाई है, सिंगल प्लेट। तो एक साथ में चिकन का पीस है इस तरफ भी, अभी खाएँगे माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अभी कुछ रायता डालूँ ऊपर, बिरयानी के बाद कोक पीने का अपना ही मज़ा है।
देना है जी एक शवरमा, छोटा शवरमा जो 80 रुपये का, बड़ा 100 का। बेक करेंगे भाई तैयार, बनाओ बनाओ छोटा। आज मछली बनाने का रहता है तो अभी लेंगे यहाँ से। बाकी सामान तो ले लिया है जी, बाइक पे लटकाया हुआ है तो ताज़ा मछली है। पहले मछली की कीमत थोड़ी कम थी, लेकिन अभी जैसे गर्मी आ रही है और मछली की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। अभी 2 किलो ली है भाई, अभी कर रहे हैं तैयार। रेट है आप की रेट मछली बेच चुके थे 500-550 रेट, कीमत काफ़ी बढ़ गई हैं यार। जी 2 किलो हो गई मछली, इसको भी आगे ही लटकाते हैं कहीं। 350 की 1 किलो मिली तो 2 किलो हो गई। चाची जी कह रहे थे कि पुत्र सारा सामान लेकर आना, तो अभी माशाल्लाह से कुछ कई सैन पहले ले गए थे और अभी कुछ लेकर जा रहे हैं। तो सिटी से कट्टे का गोश्त नहीं लिया क्योंकि ताज़ा नहीं मिला। अभी जिला मोड़ से लेंगे, मछली ले ली थी सिटी से और बाकी सामान अभी जिला मोड़ की तरफ रवानगी। कट्टे का गोश्त हो गया 600 का 1 किलो। एक लिया कोक का पैट, 590 रुपये का एक पैट है कोक का। अभी शॉपिंग हो गई मुकम्मल। अभी जी वापसी का सफ़र, एक वहाँ से ली थी जी चॉकलेट कैरा मिल फील्ड, काफ़ी अच्छी है चॉकलेट खाने के लिए। वापसी जा रहे हैं घर को, काफ़ी टाइम हो गया आए हुओं को, सिटी पहले फिर जिला मोड़, काफ़ी टाइम लग गया। डेयरी मिल्क की तरह ही है चॉकलेट, बस फ़र्क इतना है कि डेयरी मिल्क वैसे होती है, इसमें थोड़ी और भी है चीज़ ये वाली, काफ़ी मज़े की है। अभी ट्रॉली लोड की हुई है गन्ने की तो खड़ी है रास्ते में। हमारा कमाद का तो टाइम से काम ख़त्म हो गया क्योंकि 2-3 ट्रॉलियाँ हुई थी, वो मिल में फेंक दी और बस ख़त्म। अभी हमारे घर के पास भाई लोगों की ज़मीन है तकरीबन 1 मुरब्बा, तो अभी इनकी ट्रॉलियाँ रोज़ जा रही हैं, शायद इनका भी हो गया ख़त्म। फिर सारी ज़मीन में थी ताकमाद तो अभी खाली हो गई, उस तरफ तूड़ी लोड कर रहे हैं उनके पीसेस बना के, अभी कोई और फसल लगा देंगे यहाँ पर। फिर ट्रैक्टर पैसा फुल आगे से उठ गया है क्योंकि पीछे खोरी लोड की हुई है। ताकमाद के खेत में जो भी खोरी होती है वो इकट्ठी करके फिर मशीन के साथ उसके बना लेते हैं बॉक्स, तो उनको लोड करके फिर मेल में ले जाते हैं, वहाँ पर उनको चलाते हैं शायद या कागज़ वगैरह बनाते हैं उनका, इस तरह का ही सिलसिला है। तो आग तो वैसे नहीं लगाने दे रही गवर्नमेंट क्योंकि पाबंदी है, इसलिए फाइनली पहुँच चुके हैं घर। सुभान अभी कुछ लेकर आ रहे हैं खोरी आग जलाने के लिए रेडी पर। भाई आपके बाल कुछ यहाँ से ठीक करवाने वाले हैं, काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, क्या इरादा है? चलें किसी टाइम हमाम पे या नहीं? अभी कुछ बन रहा, अभी सर्दी काफी है तो सर्दी से बचने के लिए बाल काफी जरूरी है, सर को हवा नहीं लगती तो इसलिए मैंने कहा गर्मियों में कटा लेंगे। लें जी इतना टाइम आपने कटवाने ही नहीं, पूरी सर्दियाँ अभी गर्मी भी आ रही है, कटवा लें गर्मियों में कटवाएंगे। अहमद अहमद के तो बहुत प्यारे हैं बाल, छोटे छोटे अभी सुरमा भी डाल के आए हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये सामने घर जो है हमारे हमसाए उनके घर लगे हुए हैं मिस्त्री, पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि उनकी दीवार गिर गई है तो शायद चलेगा। अभी भाई यहाँ से पानी लेकर गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी जो कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे फेंका था खोरी थी तो अभी किसी ने आग लगा दी है फिर से। पहले भी एक दिन मैंने लगाई थी लेकिन अच्छी तरह नहीं जली थी। तो अहमद आपको पता है किसने आग लगाई है यहाँ? पहले शायद किसी ने लगा दी, काफ़ी नेकी का काम किया है। अभी ये सब जो भी है ख़त्म हो जाएगा और इरादा है कि यहाँ पर कुछ मिट्टी डाल दें फिर बराबर हो जाएगी ये जगह। काम कुम करके आया और वेला मुठियां भर दी, बड़ा मसाज कर दी। फर्क बंदे हां ये जो यार ओ नहीं सही आके जितने दर्द हुंदा। चाचू जी लेकर आए थे जी इंग्लैंड से मसाज करने वाली मशीन, जिस तरह लगाएं जिसम पे थकावट उतर जाती है सब। तो अबू जी के कर रहे थे, अबू जी कह रहे हैं
जो तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि काम वगैरह करते हैं थकावट हो जाती है, सब थकावट उतर जाती है। और साथ में लगे हुए हैं घर में मिस्त्री, कुछ था दीवार पे सेट करने वाला, वो ओके कर देंगे। अभी कुछ 5:15 हो चुके हैं, तो अभी मगरिब की नमाज का इंतज़ार है। सूरज कुछ उस तरफ चला गया, काफ़ी अच्छा सीन बन गया है जी सूरज का, क्योंकि अभी ग़ुरूब होने को है। तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।